शुभवास्तु, मैं मेरिटा जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बेडरूम में बेड यानी कि पलंग का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए इसके बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइए। फ्रेंड्स, शुभवास्तु चैनल मेरा एक प्रयास है वास्तुशास्त्र के ज्ञान को सरल और आसान शब्दों में आप तक पहुँचाने का। अगर वास्तुशास्त्र इस सब्जेक्ट में आप नए हो और इस सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, बेड एक ऐसी जगह है जहां पर हम रिलैक्स होते हैं, हम सोते हैं। एक अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी नींद जरूरी है। अगर आपकी नींद प्रॉपरली नहीं होती है तो इससे आपको कई हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके बेडरूम में बेड का प्लेसमेंट सही दिशा में हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड यानी कि पलंग रखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है और बेड के लिए वास्तु टिप्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेड रखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। बेड के प्लेसमेंट के बारे में जानने से पहले आपको वास्तु के एक नियम को समझना बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय आपको आपका सर यानी कि हेड ये ईस्ट यानी कि पूरब या फिर साउथ यानी कि दक्षिण की दिशा की ओर होना चाहिए। आपको कभी भी नॉर्थ यानी कि उत्तर की दिशा में सर रखकर नहीं सोना चाहिए। इसे डिटेल में मैंने अपने बेडरूम पार्ट 1 के वीडियो में एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन में है, तो इसे आप जरूर चेक कीजिए। अब वास्तु के इस नियम को ध्यान रखते हुए आपको बेड का प्लेसमेंट ऐसा करना है कि सोते समय आपका सर ईस्ट या फिर साउथ की दिशा में हो। अगर किसी कारण से सोते समय आपको ईस्ट या फिर साउथ की दिशा में सर रखकर सोना पॉसिबल नहीं हो रहा है तब आप साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट की दिशा की ओर भी सर रखकर सो सकते हैं। बस ईस्ट की दिशा ये नॉलेज की दिशा है, इसीलिए बच्चे, स्टूडेंट्स और लोग जो पढ़ाई लिखाई के कामों में इन्वॉल्व है उन्हें सोते समय अपना सर ईस्ट की दिशा की ओर रखकर सोना चाहिए। फिर बेड रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेड कभी भी घर के मध्य यानी कि ब्रह्मस्थान में नहीं आना चाहिए। आपको आपका बेड कभी भी बेडरूम के कोने से लगा के नहीं रखना है, इससे एनर्जी के फ्लो में बाधा आती है। बेड को हो सके उतना कमरे के मध्य यानी कि सेंटर में रखें और उसे तीन ओर से खुला रखें ताकि एनर्जी का फ्लो प्रॉपरली हो। बेड के पीछे प्रॉपर वॉल सपोर्ट और हेडबोर्ड होना चाहिए। बेड को कभी भी बेडरूम के डोर के एग्जैक्ट सामने नहीं होना चाहिए और बेड के पीछे कभी भी विंडो यानी कि खिड़की नहीं होनी चाहिए। बेड रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेड का रिफ्लेक्शन कभी भी मिरर में ना आए। बेड को आपको बीम के नीचे रखने से अवॉइड करना है। बेड के एग्जैक्ट सामने कभी भी टॉयलेट डोर नहीं आना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा है तो हो सके उतना टॉयलेट डोर को बंद रखें। अब हमने जान लिया कि बेड रखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम बेड के लिए वास्तु टिप्स जानते हैं। फ्रेंड्स, बेड के लिए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप को अच्छा माना जाता है। आपको इरेगुलर शेप्स अवॉइड करना है। हो सके तो वुडन यानी कि लकड़ी से बने हुए बेड यूज करें। आपको मेटल के बेड से अवॉइड करना है। बस वास्तुशास्त्र में चार पैरों वाले बेड को अच्छा माना जाता है, पर आजकल जगह की कमी के कारण बेड के नीचे स्टोरेज होता है, तो इस केस में आपको बेड के नीचे हैवी स्टोरेज रखने से अवॉइड करना है। खास करके मेटल की चीजें आपको बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए। बेड के नीचे किसी भी तरह का क्लटर नहीं होना चाहिए, ये हमेशा क्लीन होना चाहिए ताकि एनर्जी का फ्लो प्रॉपरली हो। फ्रेंड्स, ये कुछ सिंपल वास्तु टिप्स है बेड और बेड के प्लेसमेंट के लिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई और क्वेश्चन या क्वेरीज है या फिर आप कोई वीडियो सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए शुभ वास्तु एंड हैप्पी लिविंग।